डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय हूँ। आज का विषय है आर्सेनिक एल्बम क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं। आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथी में 15 सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है। होम्योपैथिक उपयोग के लिए उच्च तापमान पर बेक करके आर्सेनिक को लोहे, कोबाल्ट या निकल से अलग करके आर्सेनिकम एल्बम तैयार किया जाता है। फिर पाउडर को पीसकर लैक्टोज से पतला कर दिया जाता है। अंतिम उत्पाद टिंचर यानी कि तरल टैबलेट, छर्रों या पाउडर के रूप में बेचा जाता है। आर्सेनिक एक रक्त स्त्रावी है। यह रक्त और रक्त वाहिकाओं दोनों पर कार्य करता है। एनीमिया, क्लोरोसिस, पाइमिया सभी आर्सेनिक के दायरे में आते हैं, जो रक्त के नुकसान के कारण होने वाली अवस्थाओं से भी मेल खाता है, जैसे कि वेनेक्सेशन, मेट्रोजिया और हेमप्टाइसिस। बेचैनी आर्सेनिक के भव्य विशेषताओं में से एक है। बेचैन, करहाने के साथ साथ बेचैनी के दौरे से भी आर्सेनिक का स्तब्ध हो जाना बंद हो जाता है। रोगी चिंतित रहता है, मृत्यु के भय से भरा हुआ। बेचैनी उन्हें बार बार अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर करती है, इसलिए कई तंत्रिका रोगों में दवा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विशेष रूप से कोरिया। जलन आर्सेनिक की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। आर्सेनिक के जलन की खासियत यह है कि वह गर्मी से या गर्म चीजें खाने या पीने से गले की जलन ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ठंडा खाना और कोल्ड ड्रिंक्स पेट की जलन को बढ़ा देता है, इसलिए आर्सेनिक बर्फ खाने और बर्फ का पानी पीने के प्रभावों के लिए उपयोगी है। आर्सेनिक संपूर्ण पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके साथ लगातार हिलने डुलने या हाथ पांव हिलाने डुलाने की इच्छा होती है। थोड़ी सी भी मेहनत से रोगी थक जाता है। लेटते समय थकावट महसूस नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो चलता है वो खुद को इतना कमजोर पाकर हैरान होता है। पहाड़ी पर चढ़ने से थकावट, बेदम नींद का ना आना भी आर्सेनिक के दायरे में आता है। एक्यूट कोराइजा और हे फीवर में इसका बहुत अच्छा स्थान है। कई ड्रॉपसिकल स्थितियों में आर्सेनिक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। विशेष रूप से इसने हाइड्रोथोरैक्स के मामले में शानदार काम किया है। अभियान के तरीके के कारण इसे तरल ट्रोचर कहा गया है, जिसमें यह पानी के बहाव को हटा देता है। इसके उपयोग के तहत कच्चे और शक्ति दोनों में कैंसर के कई इलाज बताए गए हैं, जब आर्सेनिक के व्यक्तिपरक लक्षण मौजूद हों। जब होम्योपैथिक फॉर्मूला अधिक क्रूड है तो निम्न शक्ति की आवश्यकता होती है। इस मामले में आर्सेनिक बहुत लाभदायी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्टम में कैंसर युक्त ऊतक और कैंसर तत्वों पर भी सीधा कार्य करता है। किसी भी होम्योपैथिक दवा के प्रयोग के पहले होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।